नमस्कार, मैं जया सिंह, सहायक अध्यापिका केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से। बच्चों, मैं आप सभी का सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज इस अध्याय का हम पहला भाग पढ़ेंगे। आज इस अध्याय में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारी और आपकी चर्चा होगी, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक परिवर्तन का युग, जिसके अंतर्गत हम उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी विचारधाराओं के विषय में बात करेंगे। नेक्स्ट, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, यानी औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन आए थे, उनके विषय में बात होगी। फिर यूरोप में समाजवाद का आना, जो भी समाजवादी विचारक थे उनके विचारों के विषय में हम बात करेंगे। फिर समाजवाद के लिए समर्थन, यानी उन समाजवादियों ने जो भी संस्थाओं या जिस दलों का गठन किया उनके विषय में हमारी और आपकी चर्चा होगी। फिर रूसी साम्राज्य, 1914 में जो रूसी साम्राज्य कैसा था उसके विषय में बात करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था और समाज, यानी 1914 में जो रूस की आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी उसके विषय में हम बात करेंगे। आइए फिर हम अपनी शुरुआत करते हैं। बच्चों, पिछले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति में आपने देखा कि फ्रांस की क्रांति को स्वतंत्रता और समानता के विचारों ने काफी प्रभावित किया था। फ्रांस की क्रांति के समाप्ति के बाद भी इस विचारधारा ने यूरोप ही नहीं विश्व के समस्त हिस्सों को या समस्त देशों को प्रभावित किया था। एक नई विचारधारा या लोगों के मन में एक उत्कंठा जागृत हो गई थी और ज्यादातर लोग व्यक्तिगत अधिकारों और शासन व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा करने लगे थे। आइए हम फ्रांसीसी क्रांति को ध्यान में रखते हुए यूरोप में जो भी सामाजिक परिवर्तन हुए थे उनके विषय में बात करेंगे, क्योंकि जब फ्रांसीसी क्रांति के बाद बहुत सी परिस्थितियां बदल गई थी। जो छोटे छोटे देश थे उसमें रहने वाले लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए थे और वो जो उनके ऊपर शासन से जो भी अत्याचार या जो भी असहमति थी उसके प्रति अपने विचार व्यक्त करने लगे थे। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन का युग, उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवाद। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले उदारवाद के बारे में बात करेंगे। उदारवाद का अर्थ आप समझ सकते हैं, जहां पर सबको समान समझा जाए। उदारवादी विचारधारा के लोग सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। बच्चों, यूरोप में या यूरोप के सभी देशों में प्रायः एक ही धर्म को महत्व दिया जाता था। जैसे आप देख लीजिए, ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। यानी जितने भी देश थे उनके अपने अपने धर्म थे और वो अपने धर्म को श्रेष्ठ समझते थे, और उदारवादियों का ये मानना था कि सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। उनकी दूसरी विचारधारा थी अनियंत्रित सत्ता के विरोधी। इनका ये मानना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने का अधिकार नहीं है, यानी सरकार किसी के अधिकारों को छीन नहीं सकती है। उदारवादी सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की या उनके हितों के रक्षक थे, निर्वाचित सरकार के पक्षधर। उदारवादी सामूहिक प्रतिनिधित्व के आधार पर ऐसी निर्वाचित सरकार चाहते थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित शासन कार्य होना चाहिए, उनका ये मानना था। फिर अलोकतंत्रवादी विचारधारा, इतना होने के बावजूद भी उदारवादी जो थे अलोकतंत्रवादी थे। उनका ये मानना था कि सभी को मतदान का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। उनका ये मानना था कि जिनके पास संपत्ति हो उनको ही मतदान का अधिकार प्राप्त हो। अगला है रेडिकल विचारधारा। बच्चों, ये विचारधारा बिल्कुल उदारवादियों से थोड़ी विपरीत थी। इस विचारधारा के लोग बहुमत के समर्थन पर आधारित सरकार के पक्षधर थे। इनका ये मानना था कि जो भी सरकार बने वो जनता के बहुमत पर आधारित हो। फिर मताधिकार आंदोलन के समर्थक, ये लोग मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे, ये चाहते थे कि सभी को मतदान का अधिकार मिले। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें विशेषाधिकारों के विरुद्ध, ये उदारवादियों के इस सिद्धांत, जैसे उदारवादियों का मानना था कि मतदान का अधिकार सिर्फ उन्हीं को मिले जिनके पास निजी संपत्ति हो,
लेकिन ये उसके विपरीत थे। उनका ये मानना था कि विशेषाधिकारों को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। रेडिकलवादी निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वो संपत्ति के संकेंद्रण पर बुरा नजर रखते थे और उससे बिल्कुल असहमत थे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रूढ़िवादी विचारधारा। ये बिल्कुल उदारवादियों और रेडिकल से बिल्कुल ही विपरीत थी विचारधारा। पहले तो ये लोग बदलाव के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके पश्चात धीरे धीरे इन्हें भी महसूस होने लगा कि व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन जो भी परिवर्तन हो वो धीमी गति से हो। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात इनकी सोच में परिवर्तन आया और इन्हें भी लगने लगा कि परिवर्तन आवश्यक है, जो भी परिवर्तन हो वो धीमी गति से हो। बच्चों इस तरह ये तीन विचारधाराएं आपने जानी, उदारवादी, रेडिकलवादी और रूढ़िवादी विचारधारा। और इन तीनों ही विचारधाराओं के अपने अपने मत थे। एक तरीके से देखा जाए तो इस सामाजिक परिवर्तन के युग में इन विचारधाराओं ने काफी प्रभावित किया और बहुत से लोग आगे चलकर उदारवादी और रेडिकल विचारधाराओं के पक्ष में हो गए थे। बच्चों अगला टॉपिक है हमारा औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। आपने देखा तीन तरह के विचारधाराएं थी। इसी समाज और फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया था। इस क्रांति के पश्चात एक नए युग की शुरुआत हो रही थी और देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, आइए एक एक करके हम चर्चा करते हैं। औद्योगिक क्रांति के पश्चात यूरोप में नए शहर बन रहे थे और नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा था, यानी नई नई इंडस्ट्रीज लगाई जा रही थी, फैक्ट्रीज लगाई जा रही थी। फिर रेलवे का भी काफी विस्तार हो चुका था। उस क्रांति के पश्चात महिलाओं और पुरुषों एवं बच्चों को भी कारखानों में काम मिलने लगा था, फैक्ट्रीज में उन्हें काम मिलने लगा था। लेकिन इसके बावजूद भी बेरोजगारी की समस्या जो थी वो बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि ऐसा था बच्चों, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई थी जिससे बेरोजगारी की समस्या बनी हुई थी। इसके अलावा जो मजदूर थे उनकी मजदूरी भी बहुत कम थी, यानी जो उनको मजदूरी मिलती थी वो उस समय के आर्थिक परिवेश के हिसाब से बहुत कम थी। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से, यानी जो चित्र है किसी ने लिया है, और इस समय आप देख रहे हैं कि कैसे मजदूर इस तरह बेतरतीब बैठे हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। नए नए शहरों का विकास हो रहा था और शहरों के फैलने से आवास की समस्या बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही थी जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं के हल खोज रहे थे। इन दोनों के पास ही अपार संपत्ति थी और इनके अपने कर्मचारी भी थे। इन्होंने संपत्ति व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के माध्यम से इकट्ठा किया था। इनका ये मानना था यदि मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। ये उदारवादी और रेडिकल समूह के लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे और जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। ये उदारवादी ये मानते थे कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और जितने भी गरीब लोग हैं जिनके पास काम नहीं है उनको रोजगार मिल जाए और जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति है उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का अधिकार मिले। उदारवादियों और रेडिकलवादियों के इस विचारधारा से बहुत से लोग प्रभावित हुए और धीरे धीरे करके इनके संगठन में वो लोग शामिल होने लगे। उसी समय इटली के राष्ट्रवादी मैजनी ने 1815 ईस्वी के पश्चात, 1815 आपको याद होगा वाटरलू का युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन की हार हुई थी, 1815 ईस्वी के पश्चात राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी और इटली के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जहां सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। बच्चों ये स्थिति सिर्फ इटली में ही नहीं थी, इटली के अलावा फ्रांस और रूस में भी ऐसे कितने ही राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग सक्रिय हो गए थे और वो चाहते थे कि जो भी शासक बैठा है उसके उस शासक का तख्ता पलट कर सकें। एक तरीके से देखा जाए तो नए क्रांतिकारी विचारों का उदय हो रहा था। ये राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के पश्चात एक ऐसी
शासन व्यवस्था या ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो और सभी को स्वतंत्रता भी समुचित रूप से प्राप्त हो। नेक्स्ट है यूरोप में समाजवाद का आना। बच्चों समाजवाद की विचारधारा, बच्चों समाजवाद की विचारधारा समाज के पुनर्गठन की सबसे दूरगामी दृष्टि देने वाली विचारधारा थी और इस विचारधारा की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में हुई थी। समाजवाद यानी सोशलिस्ट, आइए हम जानते हैं कि इस समाजवाद के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई थी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे और उनका मानना था कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है और वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। इनका ये मानना था कि जो भी मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं तो जो फायदा होता है वो फैक्ट्री मालिक को मिलता है ना कि मजदूरों को मिलता है। तो वो नहीं चाहते थे कि संपत्ति का एक जगह एकत्रीकरण हो, वो चाहते थे कि संपत्ति को पूरे समाज में बांट दिया जाए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। समाजवादी संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं चाहते थे। उनका ये मानना था कि संपत्ति पर समाज का नियंत्रण हो क्योंकि संपत्ति ही विरोध का कारण बनती है और जब संपत्ति का एकत्रीकरण होता है तो धीरे धीरे लोगों में क्या होता है, दूरियां बढ़ती हैं, ऊंच और नीच का फर्क किया जाने लगता है। आइए बच्चों अब हम समाजवादियों के विचारों के विषय में बात करेंगे क्योंकि जितने भी समाजवादी थे उनकी अपनी एक भिन्न विचारधारा थी और वो एक ऐसे समाज के निर्माण के पक्षधर में थे जहां पर सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इंग्लैंड के उद्योगपति रॉबर्ट ओवन के विषय में बात करेंगे। इन्होंने नया समन्वय नामक एक समुदाय गठित किया। यह समुदाय इंडियाना यूएसए का ही क्षेत्र है, इसमें गठित किया और इन्होंने सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने की बात की थी। फिर आगे चलकर फ्रांसीसी समाजवादी लुई ब्लांक सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों यानी जो कोऑपरेटिव क्षेत्र हैं को बढ़ावा देने और पूंजीवादी उद्यमों को हटाने के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया था। आगे चलकर फिर हम कार्ल मार्क्स के बारे में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स भी बहुत बड़े समाजवादी थे। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी दास कैपिटल, उसमें उन्होंने अपने समाजवादी विचार को बताया था। इनका ये मानना था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजियों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों को जो ये फायदा मिल रहा है वो मजदूरों की मेहनत से मिल रहा है। इसलिए वो ये चाहते थे कि जब तक निजी पूंजीपति मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। इसलिए अपने स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को निजी संपत्ति और इन पूंजीवादी विचारधाराओं को उखाड़ फेंकना होगा। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि स्वयं को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए एक अलग समाज की स्थापना करनी होगी जिसमें संपूर्ण संपत्ति पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा। कार्ल मार्क्स भी निजी संपत्ति के विरोध में थे। उनका मानना था कि संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। मार्क्स ने इस समाज को साम्यवादी समाज यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया था और मार्क्स का ये विचार बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। आगे चलकर फ्रेडरिक एंगल्स ने इनका मानना था कि मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति के शासन को समाप्त करना होगा। यानी ये जितने भी समाजवादी विचारक हुए ये निजी संपत्ति के घोर विरोधी हुए और इनका मानना था कि जो भी संपत्ति है वो सरकार उस पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए और जो सामूहिक उद्यम है यानी जो कोऑपरेटिव क्षेत्र है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है समाजवाद के लिए समर्थन। बच्चों 1870 के दशक तक समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। समाजवादी पूरे यूरोप में 1870 के दशक में फैल चुके थे। इधर इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने कार्य स्थिति और जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक संगठन बनाना शुरू कर दिए। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन्होंने एक कोष भी स्थापित कर लिया और काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए इन लोगों ने अपनी आवाज भी उठानी शुरू कर दी थी। इसी क्रम में जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे रिश्ते थे और इन्हें संसदीय चुनाव में सीट दिलाने में भी मदद मिली थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये संगठन जो है जब चुनाव होते थे तो इन पार्टियों की मदद किया करते थे। आगे चलकर 1905 में
ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन वर्ष 1914 तक समाजवादियों को सफलता नहीं मिली। यानी चुनाव तो हुए, लेकिन उस चुनाव के जो नतीजे आए वो समाजवादियों के पक्ष में नहीं आए, लेकिन उन्होंने स्वयं को मजबूती से संसदीय राजनीति में प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह है कि उनके प्रतिनिधियों को चुनाव जीतने में मदद मिली थी और उनके कई प्रतिनिधि जीते भी थे, लेकिन जो सरकार थी उसमें ज्यादातर रेडिकलवादी, उदारवादी और रूढ़िवादियों का ही दबदबा बना रहा। बच्चों, अब हम रूसी साम्राज्य की बात करेंगे और वो भी 1914 की। 1914 बच्चों बहुत ही प्रसिद्ध वर्ष है क्योंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले आइए हम रूस के बारे में जानते हैं। रूस में निरंकुश राजशाही का शासन था जिसकी स्थापना 1325 से 1340 ईस्वी में हुई थी। रूस के शासक को जार कहा जाता था। जार शासक राजा के दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। दैवी सिद्धांत यानी खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। जब रूस की क्रांति हुई थी उस समय रूस का जार निकोलस द्वितीय था। यानी आप ये चित्र देख रहे हैं, ये जार निकोलस ही हैं। और जब ये क्रांति हुई थी तो उस समय रूस के शासक के रूप में ये विद्यमान थे। बच्चों, 1914 में जो रूसी साम्राज्य की स्थिति थी, आइए एक बार उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। 1914 में मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। बच्चों, ये आप मानचित्र देख रहे हैं और ये मानचित्र 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय का है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उस समय दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्रों का और एक केंद्रीय शक्तियों का। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस थे और केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। ये आप क्षेत्र देख रहे हैं, जो ये ऑरेंज आपको दिखाई दे रहा है ये जर्मनी का क्षेत्र है और ये ऑस्ट्रिया और हंगरी है। ये क्या थे? ये केंद्रीय शक्तियां थी। रूसी साम्राज्य देख रहे हैं आप, फ्रांस देख रहे हैं ये और इंग्लैंड, ये क्या थे? ये तीनों मित्र राष्ट्र थे। इसके अलावा आप ये क्षेत्र देख रहे हैं और ये आपका स्पेन है, ये स्वीडन है और ये नॉर्वे और ये डेनमार्क, अल्बानिया, ये जितने भी देश आप देख रहे हैं ये सभी तटस्थ राज्य थे। यानी इन देशों ने या इन राज्यों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। फिर आप ये ब्लू देख रहे हैं, यहाँ पर बुल्गारिया और ऑटोमन साम्राज्य, ये ऐसे देश थे जिन्होंने शुरुआत में तो तटस्थता दिखाई लेकिन बाद में ये केंद्रीय शक्तियों से जा मिले। केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी से ये लोग जा मिले थे। फिर आप ये ग्रीन देख रहे हैं, पुर्तगाल, इटली, यूनान और रोमानिया, ये भी ऐसे देश थे जो शुरू शुरू में तटस्थ थे लेकिन बाद में ये मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गए। मित्र राष्ट्र यानी रूसी साम्राज्य, फ्रांस और इंग्लैंड। ये स्थिति थी बच्चों प्रथम विश्व युद्ध की। बच्चों, जो रूस का साम्राज्य था मध्य एशिया तथा प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। रूस में सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले लोग थे और रूसी साम्राज्य के अंतर्गत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। एक तरीके से देखा जाए तो रूसी साम्राज्य बहुत ज्यादा विकसित तो नहीं था लेकिन फिर भी वहां पर जो स्थितियां थी वो सामान्य थी और लोगों के रहने लायक थी। जो आइए अब हम रूस के अर्थव्यवस्था और समाज की चर्चा करते हैं और ये चर्चा 1914 को ध्यान में रखकर करेंगे। देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभ में रूस की 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। फ्रांस और जर्मनी में लगभग 40-50% लोग ही खेती पर आधारित थे। यानी जो रूस की स्थिति थी वो सबसे अलग थी और यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था जितना कि रूस में था। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश था क्योंकि यहाँ पर कृषि पर आधारित ही अर्थव्यवस्था थी। सेंट
पिट्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। ज्यादातर उत्पादन कारीगर करते थे, लेकिन कारीगरों के अलावा कल कारखाने भी बहुत मौजूद थे। 1890 के दशक में जब रूस में रेलवे का विस्तार हो रहा था, तब बहुत सारे कारखानों की स्थापना हुई थी। 1890 के दशक में रेलवे के विस्तार के कारण कई फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई तथा विदेशी निवेशक भी बड़ी मात्रा में मॉस्को पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप कोयले का उत्पादन दोगुना और स्टील का उत्पादन चार गुना बढ़ गया था। अधिकांश जो कारखाने थे उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, लेकिन सरकारी विभाग द्वारा इन फैक्ट्रियों पर नजर रखी जाती थी। नजर इसलिए रखी जाती थी कि जो भी मजदूर रखे जा रहे हैं उनको न्यूनतम मजदूरी मिले, जो भी उनका एक मानक हो, और जो काम करने के निश्चित घंटे हो वो निर्धारित हो, यानी किसी भी मजदूर के साथ अन्याय ना होने पाए, सबको एक समान कार्य का अवसर मिले और एक निश्चित समय या निश्चित कार्यवधि पर उसका कार्य समाप्त हो। बच्चों, इसके अंतर्गत हम मजदूरों की स्थिति के बारे में भी जानेंगे। जो रूस की सामाजिक व्यवस्था थी, हम ये देखेंगे कि रूस का समाज तीन वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और सर्वहारा वर्ग। उच्च वर्ग में कौन थे? जारशाही के सदस्य। जारशाही यानी मैंने आपको बताया कि राजा को वहां पर जार कहा जाता था। फिर सामंत, उच्च अधिकारी और जो उनके साधन हैं। मध्य वर्ग में लेखक, विचारक, छोटे सामंत, छोटे व्यापारी और दार्शनिक शामिल थे। सर्वहारा वर्ग में कृषिदास, कारीगर और मजदूर। इस तरह से रूसी समाज का वर्गीकरण हुआ था। और इस समाज में जो सर्वहारा वर्ग या जो मजदूर थे, देखिए वे सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। क्यों? क्योंकि कुछ मजदूरों का संबंध गांव से था और कुछ का संबंध शहरों से था। सारे मजदूर शहरों में ही बस गए थे, लेकिन उनकी योग्यता और दक्षता में भी बहुत फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के धातुकर्मी मजदूर स्वयं को दूसरे मजदूरों से उच्च समझते थे। क्यों? क्योंकि इनके कार्य में अच्छे प्रशिक्षण और निपुणता की आवश्यकता होती थी। बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हैं, ये एक बंकर का चित्र है जहाँ पर मजदूर जो है पालियों में काम करते थे और बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। और ये जो स्थिति है, ये रूस में क्रांति होने से पहले की स्थिति है। वर्ष 1914 तक लगभग 31% महिलाएं फैक्ट्री मजदूर के रूप में कार्य करती थीं, लेकिन इनका जो वेतन होता था वो पुरुष मजदूरों की अपेक्षा कम होता था। यानी उनका जो इन्हें जो वेतन प्राप्त होता था वो एक जो निश्चित मानक था जो पुरुषों को मिलता था वो इनको नहीं प्राप्त होता था। अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति के विषय में बात करेंगे, यानी रूसी साम्राज्य में कृषक की स्थिति क्या थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश जमीन पर किसान खेती करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 85% जनता जो है खेती करती थी। लेकिन विशाल संपत्तियों पर कुलीन वर्ग, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले भिन्न थे। कैसे भिन्न थे? देखिए, किसान मजदूरों की तरह ही बटे हुए थे और बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। ये सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे और इसी के कारण ये 1902 में दक्षिणी रूस तथा वर्ष 1905 में रूस में ऐसी घटनाएं हुई कि रूसी कृषक अपनी संपूर्ण जमीन कम्यून को दे देते थे। कम्यून, जिसे मीर भी कहा जाता था, और फिर कम्यून प्रत्येक कृषक को परिवार की आवश्यकता के अनुसार भूमि वितरित करता था। ये रूसी साम्राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों की स्थिति थी। बच्चों, आज इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने यूरोप में समाजवाद के आगमन को भलीभांति समझा और अंत में मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ जिन्हें आप अपने नोटबुक में करते जाएंगे। 5 प्रश्न हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, नया समन्वय समुदाय की रचना का प्रयास किसने किया? दूसरा है, रूसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तीसरा प्रश्न, यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात 3 तरह के विचारों का उदय हुआ, संक्षेप में इन विचारों की चर्चा कीजिए। चौथा है, वर्ष 1914 के रूसी साम्राज्य के विषय में लिखिए। और 5वां प्रश्न है, रूस में समाजवादी किसे कहा जाता था? बच्चों, आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखकर अपने नोटबुक में करते जाएंगे। धन्यवाद।